हाय, वेलकम। कंप्यूटर साइंस की सीरीज़ में ये हमारा पांचवा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे रिकर्शन की। रिकर्शन कंप्यूटर साइंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसकी मदद से हम काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं काफ़ी आसानी से। रियल लाइफ में रिकर्शन बेसिकली कई जगह आता है, मेनली वहाँ पर आता है अगर हम इनफॉर्मली बात करें तो, जब किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने में आपको उसी चीज़ की डेफिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। रिकर्शन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आता है, मैथमेटिक्स में आता है, आर्ट में आता है, इवन नॉर्मल सिंपल प्लेन लैंग्वेज में भी आता है और इसका एग्जांपल हम देखेंगे। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई चीज़ अपने आप को रेफरेंस करने लगती है तो उसमें ये लूप बन जाता है और वो बेसिकली वहाँ पर आप रिकर्शन को देख रहे होते हैं। इसका एक एग्जांपल ये दे सकते हो कि अगर आप कभी इंडिया में नाई की दुकान पर गए हो और आपने देखा हो कि उसके पास शीशा होता है और उसके पीछे एकदम प्लेन शीशा होता है, तो पैरेलल अगर दो मिरर आप रख दो तो उसमें कैसे इमेज के बाद इमेज के बाद इमेज बनती चली जाती है इन्फिनिटी तक। तो वो एक परफेक्ट एग्जांपल है इन्फिनिट रिकर्शन का, जिसमें कि हर इमेज बेसिकली उसके अंदर इमेज जो है वो खुद की इमेज है, तो यहाँ पर वो सेल्फ रेफरेंस बन गया। नेचुरल लैंग्वेज में जब भी ऐसे स्टेटमेंट हम देते हैं जिसमें कि स्टेटमेंट अपने आप को रेफ़र कर रहा होता है तो वो स्टेटमेंट्स कई बार बहुत इलॉजिकल हो जाते हैं। रिकर्शन का एक एग्जांपल अगर मैं नेचुरल लैंग्वेज में दूँ तो क्रीट जो कि ग्रीस में है, उसमें 600 BC में एपिमेंडिस नाम का एक फिलोसोफर था, उसने ये स्टेटमेंट बोला था कि ऑल क्रीटन्स आर लायर्स, यानी उसने कहा था कि क्रीट में रहने वाले सारे व्यक्ति झूठे हैं। ये स्टेटमेंट हमें समझ में आता है लेकिन हम डायग्नोज करेंगे कि ये स्टेटमेंट ना गार्बेज है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है, ना ये ट्रू है ना ये फॉल्स है। कैसे देखते हैं, अगर सपोज एपिमेंडिस सच बोल रहा है तो इसका मतलब क्रीट में रहने वाले सारे पर्सन झूठे हैं, ये पॉसिबिलिटी वन है। लेकिन अगर ये ट्रू है कि क्रीट में रहने वाले सारे पर्सन झूठे हैं तो एपिमेंडिस जो कि खुद क्रीट में रहता है वो भी झूठा है, इसका मतलब उसने जो भी कहा वो झूठ होगा, जो भी वो कहता है वो फॉल्स है। इसका मतलब अगर वो कहता है कि सारे पर्सन क्रीट में रहने वाले झूठे हैं तो वो ये झूठ बोल रहा है, इसका मतलब क्रीट में रहने वाले सारे पर्सन झूठे नहीं हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें, क्योंकि वो स्टेटमेंट अपने आप को रेफर करता है इन सम सेंस, ये स्टेटमेंट ना तो ट्रू है ना फॉल्स है। अगर आप मानोगे ट्रू है तो ऐसा लगने लगेगा कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है, और अगर आप मानोगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है तो लगने लगेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है। क्योंकि इसी एग्जाम्पल में देखो, अगर अगर क्रीट में रहने वाले सारे लोग झूठे नहीं हैं तो इसका मतलब एपिमेंडिस झूठा नहीं है, और अगर वो झूठा नहीं है तो उसने जो कहा वो सच है, और अगर उसने जो कहा वो सच है तो क्रीट में रहने वाले सारे लोग झूठे हैं। तो बेसिकली ये रिकर्शन का एक एग्जांपल है। प्रॉब्लम वन जो प्रॉब्लम सेट में है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि आप एनालाइज करो कि ये स्टेटमेंट कि आई एम लाइंग, यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट का कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है, ना तो ये स्टेटमेंट कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इंग्लिश में आई एम लाइंग, इसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है, ना तो ये स्टेटमेंट ट्रू है ना फॉल्स है, ये आप आर्ग्यू करना। खैर अग्री, आगे चलते हैं। कंप्यूटर साइंस में रिकर्शन काफ़ी जगह आता है और बेसिकली रिकर्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। और आप क्या करते हो कि एक बड़ा प्रॉब्लम लेते हो और उसको एक सिमिलर छोटे प्रॉब्लम में तोड़ देते हो। वेल, एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज आपके पास एक स्ट्रिंग है ABCD और आपको उसकी लेंथ नापनी है, यानी आपको नापना है कि उसमें कितने कैरेक्टर हैं। आंसर 4 है, दिख रहा है। लेकिन अगर आपका प्रोग्राम लिखना हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि अगर मैं पहला कैरेक्टर हटा दूँ A, और अगर मैं बचे हुए 3 कैरेक्टर BCD की लेंथ निकाल लूँ तो उसमें मैं 1 जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि प्रॉब्लम को, बड़ी प्रॉब्लम को जो कि थी कि ABCD की लेंथ निकालो, उसे एक सिमिलर प्रॉब्लम लेकिन छोटे इंस्टेंस पर मैं तोड़ दिया। ABCD की लेंथ निकालना
आसान है अगर बी सी डी की लेंथ पता हो। सिमिलर आर्ग्यूमेंट से बी सी डी की लेंथ निकालना आसान होगा अगर सी डी की लेंथ पता हो। सिमिलर आर्ग्यूमेंट से सी डी की लेंथ निकालना आसान होगा डी की लेंथ पता हो। समझ रहे हो? तो ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आती है और धीरे धीरे आप प्रॉब्लम छोटी करते जाते हो, और जब प्रॉब्लम एकदम छोटी हो जाती है तो वो इतनी छोटी हो जाती है कि ट्रिवियल होता है, हाथ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जनरली जो रिकर्सिव प्रॉब्लम होती हैं उनकी दो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती हैं। पहली तो ये कि उनमें एक बेस केस होता है जो कि इतना ट्रिवियल होता है कि आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ऊपर एग्जाम्पल में बेस केस ये हो सकता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ जीरो है, कोई कैरेक्टर नहीं है उसमें, रिकर्सिव। और फिर दूसरा होता है रिकर्सिव प्रॉपर्टी, यानी कि हर प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना आसान है बशर्ते, यानी इस शर्त पर कि आप वही प्रॉब्लम किसी छोटे इंस्टेंस पर सॉल्व कर पाओ। यानी कि अगर आपको ऊपर एग्जांपल में देखें तो बेस केस ये हुआ कि भाई एम्प्टी स्ट्रिंग की लेंथ जीरो है, और रिकर्सिव प्रॉपर्टी ये हुई कि अगर ए बी सी डी की लेंथ निकालनी है तो उसकी सब स्ट्रिंग यानी पहला कैरेक्टर हटाने के बाद बी सी डी की लेंथ अगर आप मुझे दे दोगे, कैसे भी करो आप, मान लो एन आएगी आंसर, तो मैं मेरे प्रॉब्लम का आंसर एन प्लस वन होगा क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर ज़्यादा है। अब आप वो एन कैसे निकालोगे वो हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली आपने प्रॉब्लम ली और उसको कहा कि मुझे नहीं पता कैसे करूँगा, मैं इसे तोड़ देता हूँ, छोटी वाली मैं सॉल्व करना जानता हूँ, और छोटी वाली आप कर सकते हो, उसमें एक कैरेक्टर जोड़ दो, बड़े का आंसर आ गया। और छोटी वाली सॉल्व करने के लिए आप उसे और छोटे में तोड़ दोगे, और छोटे में तोड़ दोगे, और छोटे में तोड़ दोगे, अंटिल बेस केस हिट हो जाएगा, बेस केस हिट हो जाएगा, वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये बस बेसिकली आपको याद रखना है, बेस केस होगा, रिकर्सिव प्रॉपर्टी लग रही होगी। जब भी आपको प्रॉब्लम में लगे कि यार अगर छोटी वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता होता तो मैं बड़ी वाली कर लेता, तो आप रिकर्शन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ये है जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और हमें उसकी लंबाई निकालनी है। तो चलिए इसको हम कोडिंग की मदद से करते हैं। पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बिना रिकर्शन यूज़ करे। तो हम एक फंक्शन दिखाते हैं strlen, जो कि हम इटरेटिवली करेंगे। इसका इनपुट है स्ट्रिंग और ये रिटर्न करेगा लेंथ। तो लेंथ को ज़ीरो इनिशियलाइज़ कर दो शुरू में, फिर आप ये कहो कि लूप चला दो वाइल s इज़ नॉट एम्प्टी। जब तक एम्प्टी नहीं हो तब तक एक एक कैरेक्टर फेंकते जाओ और लेंथ को बढ़ाते जाओ। तो लेंथ को लेंथ प्लस वन कर दो और s में से एक कैरेक्टर फेंक दो। उसका मतलब ये हुआ कि s को s1 कोलन रख दो। इसका पाइथन में मतलब ये होता है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग है ए बी सी डी, सपोज़ आपके पास एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी, उसका पहला कैरेक्टर आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, दूसरा कैरेक्टर आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, तीसरा कैरेक्टर आप x ऑफ 2 से एक्सेस कर सकते हो। जब आप लिखते हो x ऑफ 0 तो 0th एलिमेंट आपको एक्सेस हो जाता है। जब आप लिखते हो 1 टू 2 तो आपको सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाते हैं जो 1 से चालू होते हैं 2 से कम होते हैं। 1 टू 3 लिखते हो आप तो सारे एलिमेंट मिल जाते हैं जब 1 से चालू होते हैं और 3 से कम होते हैं, यानी 1 और 2। इसी तरह जब आप लिखते हो 1 कोलन, इसका मतलब होता है कि एंड मतलब टिल दी एंड, ठीक है? तो अगर आप एंड में कुछ नहीं लिखते तो इसका मतलब है एंड तक जितना भी है सब ले लो। तो जब आप वन कोलन लिखते हो तो वन से लेकर एंड तक सब आ जाता है, यानी कि पहला एलिमेंट एक्स ऑफ ज़ीरो हट जाता है, बी सी डी बचता है। तो यहाँ पर जब आप ये कर रहे हो इसका मतलब यू आर थ्रोइंग पहला कैरेक्टर अवे। थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। तो आपने पहला कैरेक्टर थ्रो कर दिया और जब ये कोड चलता रहेगा तो कैसे लेंथ बढ़ती रहेगी जब तक s एम्प्टी नहीं हो जाती, और एंड में लेंथ रिटर्न कर दो, हो गया। इसको टेस्ट कर लो भाई, str length of, अगर मैं करूँगा हेलो वर्ल्ड कितना आंसर आना चाहिए? वेल 1 2 3 4 5 6 वाइट स्पेस भी एक कैरेक्टर है, 7 8 9 10 11 12 है ना। चलाते हैं अब इस कोड को, एग्जिट कर दो यहाँ से, पाइथन strlang underscore return.py, ओ प्रिंट करने भूल गया मैं, प्रिंट कर दो यहाँ, यहाँ चलाओ, उप्स ओ गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पर इटर होगा strlang underscore return,
आंसर 12 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व की बिना रिकर्शन यूज़ करे। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिकर्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। मैं फिर से कोड लिखता हूँ, strlang underscore recur। ये एक स्ट्रिंग लेगा s, और अब आपको सबसे पहले लिखना है बेस केस। बेस केस सिंपली ये है कि अगर s empty आए तो ज़ीरो रिटर्न कर देना साहब, तो ठीक है आप ज़ीरो रिटर्न कर देना, बहुत सिंपल है। वरना बेस केस नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में ये कहोगे कि ऐसा है कि वन प्लस कर दूंगा, strlang दोबारा कॉल कर लो और ना पहला कैरेक्टर फेंक दो और ना सबस्ट्रिंग। तो आप देख रहे हो कैसे इस फंक्शन को डिफाइन करने में strlang underscore recur यही फंक्शन दोबारा से कॉल हो रहा है, यानी ये फंक्शन की डेफिनेशन खुद ही को कॉल कर रही है। जब आप इसे ए बी सी डी के साथ कॉल करोगे तो ये अपने आप को ही कॉल कर लेगा बी सी डी पे, और जब बी सी डी पे आएगा तो फिर ये यहाँ पर आएगा, फिर कॉल कर लेगा अपने आप को सी डी पे, फिर कॉल कर लेगा अपने आप को डी पर, फिर कॉल कर लेगा अपने आप को एम टी स्ट्रिंग पर, और जब एम टी स्ट्रिंग पे आएगा तो बेस केस जीरो रिटर्न करेगा, फिर ये वापस से वन प्लस करेगा डी में, वन टू थ्री फोर, आंसर फोर रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। प्रिंट strlang अंडरस्कोर रिकर हेलो वर्ल्ड, जब आप ये यहाँ प्रिंट करोगे वेल रिकर्सिव रिकर डॉट पी वाई, उप्स गड़बड़ हो गई कुछ, ओ बता सकते हो क्या एरर आया है? एरर ये आया है कि मैंने रिटर्न करना भूल गया, तो रिटर्न दिस रिटर्न पी वाई। प्रोग्रामिंग में आपको कोड लिखना ही नहीं आना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी आना चाहिए कि जब एरर आए तो उस कोड को डीबग कर पाएँ, यानी कि आप ये देख पाओ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जनरली कोई छोटी सी मिस्टेक होती है, कई बार बहुत सटल होती है, लेकिन इस केस में मैं रिटर्न करना भूल गया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, वन प्लस यहाँ आता था और फिर अचानक से अटक जाती थी गाड़ी, रिटर्न नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये एग्जांपल आई होप कि क्लियर हो। अब ये मैं आपको चूज़ करने दूंगा कि आप ये रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन प्रेफर करते हो या इटरेटिवली। ये प्रॉब्लम इतनी सिंपल है कि इसमें मैटर नहीं करता, दोनों ही इम्प्लीमेंटेशन सिंपल रिजल्ट देती हैं, तो इट डजेंट रियली मैटर। लेकिन हम आगे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जो बिना रिकर्शन के सॉल्व करना काफ़ी हार्ड है। इस लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में आप टावर ऑफ अनुई एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बिना रिकर्शन के काफ़ी हार्ड हो सकती है सॉल्व करना। एनीवेज लेट्स गो टू सेकेंड एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, उसको आपको रिवर्स करना है, यानी कि अगर इनपुट हो सचिन तेंदुलकर तो आंसर छपे आर ए के एल यू डी एन ई टी एन आई एच सी ए एस, समझ रहे हो, मतलब उसका नाम उल्टा होके प्रिंट हो जाए, गार्बेज जैसा लगे। तो अगेन ये प्रॉब्लम काइंड ऑफ सिंपल सी है, आप चाहो तो इसे इटरेटिवली सॉल्व कर लो, चाहे तो रिकर्सिवली सॉल्व कर लो। तो हम इसे देख लेते हैं फटाफट। तो मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ रिवर्स अंडरस्कोर इटर डॉट पी वाई। तो ये प्रॉब्लम सिंपल है, तो आप लिखो कि भाई रिवर्स अंडरस्कोर इटर, जो कि एक स्ट्रिंग लेता है इनपुट में, और आउटपुट देना होगा उसे रिवर्स प्रिंट करना होगा। तो ऐसा करता हूँ मैं कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और मेरी स्ट्रेटजी ये है कि मैं लेंथ निकाल लेता हूँ स्ट्रिंग की। प्रोग्राम में लेन होता है, हम चाहें तो अपना लिखा हुआ प्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में लेन फंक्शन होता है जो कि लेंथ निकाल देता है। या फिर आपने जो प्रॉब्लम वन करी थी रिकर्सिव strlang अंडरस्कोर रिकर, वो यूज़ कर सकते हो आप, इट्स फाइन। तो लेंथ निकाल लूँगा मैं, फिर मैं क्या करूँगा कि मैं सारे लेंथ पर चलूँगा, मतलब 0 1 2 3 4, और पीछे से कैरेक्टर एक्सेस करता जाऊंगा। तो कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू एस ऑफ लेंथ माइनस वन माइनस आई। तो बेसिकली होगा ये, अगर एग्जांपल हम देखें कि सपोज एक स्ट्रिंग है ए बी सी डी, है ना, और लेंथ उसकी आएगी 4, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ एक्स ऑफ 4 माइनस वन माइनस 0, तो आखिरी कैरेक्टर मिल जाएगा। मैं लिखता हूँ एक्स ऑफ 4 माइनस वन माइनस 1, तो आखिरी से एक कैरेक्टर पीछे मिल जाएगा। ऐसे
पीछे से कैरेक्टर ट्रैवल करूँगा मैं, और पीछे वाले कैरेक्टर को मैं जोड़ता जाऊँगा आउटपुट में। तो आउटपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस सी एच। पाइथन में बाय द वे स्ट्रिंग आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लिखते हो हाय और उसमें प्लस कर देते हो मयंक तो वो प्रिंट हो जाता है हाय मयंक। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट में सी एच जुड़ जाएगा और एंड में आप रिटर्न कर दो आउटपुट। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट रिवर्स अंडरस्कोर इटर ऑफ सचिन, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। पाइथन रिवर्स अंडरस्कोर इटर डॉट पी वाई, आंसर आ गया एन आई एच सी एस। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ सचिन तेंदुलकर, तो आंसर आ जाएगा ये। और अगर आप यही स्ट्रिंग लो और यहाँ डाल दो तो इसका रिवर्स करने पे क्या आएगा, वापस से सचिन आ जाएगा, क्योंकि वो उसका उल्टा था, उल्टे का उल्टा सीधा हो गया। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को अब हम करेंगे इटरेटिवली रिकर्सिवली। तो रिकर्सिवली करने के लिए रिवर्स प्रोग्राम डिफाइन कर लेता हूँ मैं। रिकर्सिवली करने के लिए डिलीट कर दो पूरा प्रोग्राम, रिकर। तो सबसे पहले बेस केस क्या होगा? वेल, बेस केस सिंपल ये है कि अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आती है तो उसका उल्टा खुद ब खुद एम्प्टी स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग का उल्टा एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, वरना आप ये कर सकते हो कि जैसे ए बी सी डी का उल्टा क्या होगा। ए बी सी डी का उल्टा सिंपली ये होगा कि बी सी डी का उल्टा कर दो, यानी इसका रिवर्स कर दो, और उसमें एंड में ए जोड़ दो, है ना। ए बी सी डी का उल्टा डी सी बी है, बी सी डी का उल्टा डी सी बी, ए जोड़ दो एंड में। तो ये रिकर्सिव इनसाइट है यहाँ पर। या तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि रिटर्न, पहली स्ट्रिंग हटा देता हूं हमेशा की तरह और उसमें पहली स्ट्रिंग एंड में जोड़ दूंगा एस ऑफ जीरो। तो मैंने ये किया कि मैं पहला कैरेक्टर पहले निकाल लूंगा, सॉरी रिटर्न रिवर्स ऑफ, तो बची हुई स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर हटाने के बाद रिवर्स ले लो और पहला कैरेक्टर उसमें एंड में जोड़ दो। इस कोड को चेक कर लो, हो गया। तो यहाँ पर ये आपका बेस केस है और ये एल्स कंडीशन आपकी रिकर्सिव केस है। जनरली जो प्रोग्राम होते हैं रिकर्शन के, उनमें जनरली ऐसे ही होता है कि एक सिंपल बेस केस होता है और रिकर्सिव केस होता है। रिकर्सिव केस में वही फंक्शन दोबारा से कॉल होता है। अगर मैं इस प्रॉब्लम को कॉल करूं रिकर अंडरस्कोर पी वाई, ग्लोबल नेम स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, रिवर्स अंडरस्कोर, आंसर आ गया सचिन तेंदुलकर, देख रहे हो। तो ये कोड भी हो गया। तो ये रिकर्शन का हमने दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अगर आप तक फॉलो कर रहे हो तो वेरी वेरी गुड, लेट्स कीप गोइंग। लास्ट एग्जांपल जो हमें करना है वो उतना इजी नहीं है। अभी तक हमने जो एग्जांपल किए वो काफ़ी इजी थे। लास्ट एग्जांपल ये है कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है ए बी सी डी और आपको उसके सारे परम्यूटेशंस प्रिंट करने हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी सी दिया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो आपको प्रिंट करना है ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, मतलब सारे ऑर्डर में अरेंज कर करके। अगर एन है तो एन फैक्टोरियल, तीन है तो तीन फैक्टोरियल, यानी छः तरीक़ों से आपको उनको अरेंज करके प्रिंट करना है। ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, सब प्रिंट हो जाए। ये प्रॉब्लम आप बिना रिकर्शन के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सोल्यूशन जो है वो काइंड ऑफ मुश्किल होगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हम देखेंगे, हम केवल रिकर्शन से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें रिकर्सिव इनसाइट क्या है, इसमें रिकर्शन कैसे यूज़ होगा? भाई बेस केस तो सिंपल ये है कि एम्प्टी स्ट्रिंग दी होगी तो उसके सारे परम्यूटेशन एक ही है,
एम्प्टी स्ट्रिंग के परम्यूटेशन एक एम्प्टी स्ट्रिंग इटसेल्फ, है ना। रिकर्सिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको ए बी सी डी के सारे परम्यूटेशन प्रिंट करने हो तो वो बराबर है कि आप पहला कैरेक्टर लो ए और उसको फॉलो करा दो बी सी डी के सारे परम्यूटेशन से। आप कैरेक्टर लो बी, उसको फॉलो करा दो सारे परम्यूटेशंस ऑफ ए सी डी से। आप कैरेक्टर लो सी और उसको फॉलो करा दो सारे परम्यूटेशंस ऑफ ए बी डी से। इस तरह से समझ रहे हो। तो किस तरह से जो प्रॉब्लम है ओरिजिनल प्रॉब्लम वो चार छोटी सब प्रॉब्लम्स में टूट गई, जिसमें कि ये वाला पार्ट कॉमन है कि एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ बी सी डी, जबकि ओरिजिनल प्रॉब्लम थी एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ ए बी सी डी। एक बात जो ट्रिकी है इस प्रॉब्लम में वो ये कि जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो ये थी कि प्रिंट ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ कैरेक्टर ए बी सी डी, जबकि जो सब प्रॉब्लम है चार छोटी छोटी वो थोड़ी डिफरेंट है। उनमें एक कैरेक्टर है उसको फॉलो करने के बाद एवरी पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ ये है। ओरिजिनल प्रॉब्लम में कोई कैरेक्टर नहीं था जो फिक्स था, इस प्रॉब्लम जो छोटी प्रॉब्लम है उसमें एक कैरेक्टर शुरुआत में ए है जो फिक्स्ड है। तो रिकर्शन में ये अलाउड नहीं है, आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम और छोटी प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, केवल प्रॉब्लम साइज घटना चाहिए, प्रॉब्लम सेम होनी चाहिए। तो ये जो असिमेट्री है प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम के बीच वो तुम हटा सकते हो ऐसे कि जो ए बी सी डी के परम्यूटेशन प्रिंट करने थे शुरू में उसको आप मान सकते हो कि उसका शुरुआत में जो कैरेक्टर था वो एम्प्टी था। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम आप मान सकते हो कि परम्यूटेशंस ऑफ ए बी सी डी बराबर है कि शुरुआत का कैरेक्टर एम्प्टी रख लो फॉलोड बाय एवरी परम्यूटेशन ऑफ ए बी सी डी। अगर आप टोटली लॉस्ट हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलिए कोड की मदद से हम इसे देखते हैं। ठीक है, हम कोड लिखेंगे permute.py। ठीक है, तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो है कि सारे परम्यूटेशंस प्रिंट कर दो एक स्ट्रिंग के। तो उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक फंक्शन लिखूँगा रिकर्सिव परम्यूट, जिसमें कि शुरुआत में कैरेक्टर्स एम्प्टी होंगे और स्ट्रिंग एस होगी। और ये फंक्शन रिकर्सिव परम्यूट एक प्रीफिक्स लेगा और रेस लेगा। बेस केस ये है मेरा कि अगर कुछ नहीं बचाओ रेस्ट में तो सिंपली प्रीफिक्स प्रिंट कर दो। ठीक है, सिंपली प्रीफिक्स आप प्रिंट कर दो। रिकर्सिव केस ये है एल्स कि आप सारे कैरेक्टर से ट्रेवल करो, पहले लेंथ निकाल लो रेस्ट की। ठीक है, उससे फिर आप आई इन रेंज ऑफ लेंथ करो, उसके बाद आप कैरेक्टर निकाल लो सी एच बराबर जो भी वो कैरेक्टर है रेस्ट में से ऑफ आई, और वो कैरेक्टर आप रेस्ट में से घटा दो तो वो हो जाएगा रेस्ट ऑफ ज़ीरो टू आई और प्लस रेस्ट ऑफ आई प्लस वन टू एंड। यही मैंने नोट्स में भी किया होगा आई थिंक, है ना। अभी मैं समझाता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और फिर एंड में फंक्शन कॉल कर दो अपने आप को कि रिकर्सिव अंडरस्कोर परम्यूट ऑफ प्रीफिक्स में कैरेक्टर सी एच जोड़ दो और रिमाइंडर के साथ उसे कॉल कर लो। ख़त्म हो गई ये प्रॉब्लम यहाँ पर, आई थिंक दिस शुड बी गुड। चेक करते हैं हम, पाइथन
permute.py, syntax ही गलत है, length पर, ओह ये colon गलत है, हाँ कुछ print नहीं किया क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं है, यहाँ print डाल दो, print, sorry, list permutations of a, b, c, d, है ना, let's see. Local variable length, local variable, oh, length function होता है. तो देख रहे हो कैसे answer आ गया, a, b, c, d, a, b, d, c, a, c, b, d, सारे permutation print हो गए. और ये I can assure you उतना simple program नहीं है, अगर आपने अभी तक follow किया है तो very good. a, b, c का print करके देखते हैं, just to make sure कि हमारा code सही चल रहा है. सही चल रहा है, a, b, c 6 print हो गए. empty string अगर आप print करोगे, empty string print हो गई, समझ रहे हो? तो इस कोड को अगर दोबारा से मैं समझाऊं, तो हुआ ये कि आपने अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम और रिकर्सिव प्रॉब्लम के बीच असिमेट्री तोड़ने के लिए एक प्लेस होल्डर रख दिया, जो कि था प्रीफिक्स, जो कि था कि शुरुआत में कौन से कैरेक्टर कांस्टेंट रहेंगे, वो आपने एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया, वो यहाँ पर प्रीफिक्स था. अब प्रॉब्लम बस ये हो जाती है कि जो ये स्ट्रिंग है रेस्ट, उसको देखते जाओ, अगर ये एम्प्टी है तो प्रीफिक्स एज इट इज़ प्रिंट कर दो, वरना एक एक कैरेक्टर रेस्ट का देखते जाओ, उसको रेस्ट में से हटा दो और प्रीफिक्स में जोड़ दो और फंक्शन को दोबारा कॉल कर लो. जो ऐसा कि नोट्स में हो रहा था कि भाई अगर अगर ए बी सी डी के सारे परम्यूटेशन प्रिंट करने हैं तो आप कैसे करोगे, कि पहले ए फिक्स कर लोगे और बी सी डी के सारे परम्यूटेशन प्रिंट करोगे, है ना? तो यहाँ पर भी देखो वही हो रहा है कि जब ये कोड यहाँ पर आएगा, जब आप यहाँ बोलोगे ए बी सी डी, तो क्या होगा, ये फंक्शन यहाँ जाएगा, ए बी सी डी एम्प्टी स्ट्रिंग और ए बी सी डी के साथ कॉल होगा, यहाँ आएगा ए बी सी डी के साथ, यहाँ आएगा, लेंथ होगी 4, आई होगा 0 से 4 तक चलेगा, 0 से 3 तक, सी एच होगा ए, रिमाइंडर होगा बी सी डी, रिकर्सिव परम्यूट ऑफ ए एंड बी सी डी, जो कि हमें करना था, रिकर्सिव परम्यूट ऑफ ए फॉलोड बाय बी सी डी. जब आई 1 होगा तब क्या होगा, कैरेक्टर होगा बी और ये होगा ए सी डी, तो ये फंक्शन कॉल होगा रिकर्सिव परम्यूट ऑफ बी कॉमा ए सी डी, जो हमें करना था वही है रिकर्सिव प्रॉब्लम. और फिर बी सी डी की जो प्रॉब्लम होगी वो सिमिलरली और छोटी प्रॉब्लम हमें टूट जाएगी. तो यहाँ पर हमने ये प्रॉब्लम भी होपफुली सॉल्व कर लिया. अगर आपको नहीं भी समझ आता तो आप इस प्रॉब्लम को दोबारा ट्राई कीजिए, थॉट दीजिए, और नहीं समझ आता तो कमेंट पोस्ट करिए. तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली. कंक्लूजन में ये चैप्टर ख़त्म होता है. इस चैप्टर में हमने रिकर्शन पढ़ा, जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और उसकी मदद से हम काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के ईजी सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं. इनफैक्ट रिकर्सिव सोल्यूशंस कई बार बहुत छोटे होते हैं, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, लेकिन जब सोल्यूशन लिखते हैं आप तो बड़ा सुंदर और बहुत छोटा लगता है. किसी और प्रोग्रामर को एक्सप्लेन करना भी बहुत आसान होता है. रिकर्शन थोड़ा टाइम लेता है यूज़ टू होने में, और जितने प्रॉब्लम्स आप इंटरनेट पे मिल सकें करें. अगला लेक्चर टावर ऑफ अनोई पे होगा, वो भी करें, और होपफुली आप और प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तो इसमें मास्टरी हासिल कर पाओगे. मैंने प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम भी दी है. एक प्रॉब्लम में आपको एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, एक नंबर में आपको फिबोनाची ऑफ एन निकालना है. फिबोनाची ऑफ एन बेसिकली ये होता है कि एफ ऑफ 4 बराबर एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2. तो आप 0 से चालू करते हो, 0 का फिबोनाची 0 होता है, 1 का फिबोनाची 1 होता है, और फिर 2 का फिबोनाची होता है एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3 होता है एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. तो फिबोनाची ऑफ एन कंप्यूट करना है. देखते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम टावर ऑफ अनोई रिकॉर्ड करेंगे. थैंक यू, बाय.